फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में अच्छे से पढ़ाया व समझाया और आज की वीडियो में मैं आपको वचन के विषय में पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। वचन किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले यानी वचन के विषय में समझने से पहले आइए हम कुछ जान लेते हैं। राम और दीपा पुस्तक, अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। राम और दीपा पुस्तक की दुकान पर गए। राम ने गणित की पुस्तक तथा दीपा ने विज्ञान की पुस्तकें खरीदे। राम ने पेन और दीपा ने दो पेन तथा पेंसिलें खरीदी। राम ने रंग का एक डिब्बा तथा दीपा ने दो डिब्बे खरीदे। इसके बाद राम ने वस्त्र भंडार से एक कमीज एक जर्सी खरीदी। दीपा ने अपने लिए कमीजें और जर्सियां खरीदी। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। ऊपर लिखे वाक्यों द्वारा हमें पता चलता है कि, अब देखिए बच्चों इस पे ध्यान देना, राम ने खरीदी पुस्तक, दीपा ने खरीदी पुस्तकें, पेन दो पेन पेंसिलें, रंग का डिब्बा रंग के दो डिब्बे। देखिए यहाँ पर राम ने और दीपा ने कितनी चीजें खरीदी हैं। कमीज कमीजें दीपा ने खरीदी, जर्सी राम ने खरीदी तो जर्सियां दीपा ने खरीदी। तो ऊपर दिखाई गई तालिका से हमें यह पता चलता है कि राम ने एक तथा दीपा ने अनेक वस्तुएं खरीदी। तो बच्चों क्या आप जानते हो, जिससे हमें संख्या का ज्ञान होता है, वस्तुओं की संख्या का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों आइए जानते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन से क्या तात्पर्य है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो ये बताइए चूहे के पीछे भाग रही है कौन? बिल्ली। बिल्ली एक है, इसीलिए इससे एक वचन का बोध हो रहा है। छात्रा कक्षा में पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर छात्राएं नहीं है, एक छात्रा, तो यहाँ पर किसका संकेत है? एक वचन का। बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं? एक बच्चा, तो क्या होगा बच्चों? एक वचन। बकरी घास चर रही है, तो एक वचन। ऊपर लिखे वाक्यों में बिल्ली छात्रा बच्चा और बकरी एक वचन के उदाहरण हैं। अब आइए बहुवचन के विषय में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए जब हमें एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध होता है तो बहुवचन कहलाता है। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नमन केले खा रहा है। क्या खा रहा है बच्चों? केले। अब यहाँ पर देखिए एक केला तो है नहीं, केले हैं, बहुत सारे केले हैं, तो ये बहुवचन से संबंधित है। पिताजी दुकान से पुस्तकें खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं बच्चों? पुस्तकें। तो पुस्तकें एक तो है नहीं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये बहुवचन है। यहाँ पर बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कौन शोर मचा रहा है? बच्चा तो मचा नहीं रहा, बच्चे मचा रहे हैं, तो ये बहुवचन है। मैंने नदी में नावें देखी हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में केले बच्चे पुस्तकें और नावें बहुवचन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए कुछ विशेष बात है याद रखने वाली,
कुछ ऐसा विशेष है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है? कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे आग, पानी, हवा, घी, बरसात। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जो हमेशा बहुवचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? बाल, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू। ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हर स्थिति में बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। अब आइए कुछ और जानते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, जैसे नाना। नाना का कोई बहुवचन नाने नहीं कह सकते हैं वो, ठीक है। राजा, राजे नहीं कहते हैं। चाचा, चाचे नहीं कहेंगे। यानी इनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। बाबा आदि ऐसे शब्द हैं जिनके कभी भी बहुवचन नहीं बनते। किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने अथवा बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब हम किसी के प्रति आदर प्रकट करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं, तो वो होता तो एक वचन में है, परंतु हम उसका एक वचन में प्रयोग ना करके बहुवचन में करते हैं। जैसे राणा प्रताप, प्रधानाचार्य, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नानाजी, दादाजी, राजा, दशरथ आदि। हम जैसे कहें राजा जी आ रहे हैं, राजा आ रहा नहीं कहेंगे। प्रधानाचार्य जी आ रहा है नहीं, आ रहे हैं। तो जैसे हम किसी के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तो वह बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता वाक्य में। अब आगे देखिए, गण, वृंद, वर्ग, लोग, दल आदि का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं, जैसे मजदूर लोग, युवा वर्ग, छात्रगण, अध्यापक गण, यात्री दल, वाद्य वृंद आदि। तो इन बातों को अच्छे से समझ लो और ध्यान भी रखना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रूप से किया जाता है। अब देखिए, ऐसे कौन से दो शब्द, अगर हम आपसे प्रश्न पूछ दें कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुवचन और एक वचन दोनों में किया जाता है, तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिए आप। ऐसे कौन से शब्द हैं? बंदर भाग रहा था, एक वचन। बंदर भाग रहे थे। अब देखिए, एक वचन है बंदर, लेकिन क्रिया बहुवचन की हो गई, तो क्या हो गया कि बंदर भाग रहा था, तो इससे एक वचन का, और भाग रहे थे इससे बहुवचन का संकेत होता है, यानी हमें पता चलता है ये बहुत सारे बंदर हैं। भिखारी का हाथ टूट गया था, भिखारी के हाथ टूट गए। तो बच्चों, इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। आइए, कुछ नियम दिए हुए हैं यहाँ पर, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है बच्चों? यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में आ, हो, तो आ को ए में बदल देते हैं। जैसे अब देखिए, एक वचन है कपड़ा, बड़ा आ है इसमें, तो इसका ए में बदल जाएगा, कपड़े, ए में बदल गया। अब किनारा, किनारे, कुत्ता, कुत्ते, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, रुपया, रुपए, कमरा, कमरे, केला, केले, घोड़ा, घोड़े, बकरा, बकरे, बस्ता, बस्ते, लड़का, लड़के। अब ये पहला नियम क्या था बच्चों? आ का ए में बदल जाता है। अब अगला नियम देखते हैं बच्चों। अगला नियम क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ को ए में कर दिया जाता है, जैसे औरत, औरतें, ए में बदल दिया। आंख, आंखें, कलम, कलमे, कार, कारें, चाल, चालें, झील, झीलें, दवात,
दवातें, नाव नावें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, बहन बहने, भैंस भैंसे, रात रातें, सलाख सलाखें, साइकिल साइकिलें, सांस सांसें। अब अगला नियम देखते हैं बच्चों। अगले नियम में क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को ई में बदलने तथा अंत में या लगाने से बहुवचन बन जाता है, कैसे, आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे थाली लिखा है तो थाली का क्या हो जाएगा, थालियां। अब देखिए बड़ी ई को छोटी में जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ई को इ में बदल देते हैं। जैसे थाली है, अब देखिए इसमें ई है और ई में बदल दिया है, थालियां। नदी नदियां, रोटी रोटियां, लड़की लड़कियां। अब देखिए अगला नियम क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर बहुवचन शब्द बन जाता है, कैसे, आइए जानते हैं। जैसे पंक्ति लिखा है तो पंक्तियां, नीति नीतियां, रीति रीतियां, विधि विधियां, जाति जातियां, राशि राशियां। अब अगला नियम देखते हैं बच्चों। अगला नियम क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के आगे ए लगा कर दिया जाता है, ए कर दिया जाता है। जैसे अध्यापिका अध्यापिकाएं, ए लगा दिया, पाठशाला पाठशालाएं, कथा कथाएं, कला कलाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, माला मालाएं, लता लताएं, शाखा शाखाएं, सेना सेनाएं। अब अगला नियम देखिए। अगला नियम क्या है, आकारांत उकारांत उकारांत तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है, आप देखिए कैसे, आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कविता है तो क्या हो जाएगा, ए लगा के कविताएं, धेनु धेनुए, माला मालाएं, कन्या कन्याएं, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, तो इसी तरह से बदल जाता है बच्चों। अब आगे देखिए, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में जन वृंद वर्ग लोग तथा गण आदि जोड़ दिए जाते हैं, जैसे आइए जानते हैं। बाध्य है तो बाध्य क्या हो जाएगा, बाध्य वृंद, मजदूर मजदूर लोग, युवा युवा वर्ग। अब देखिए युवा बहुवचन है, बहुवचन बनाएंगे जैसे युवा एक वचन है, और जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे, वर्ग जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, युवा वर्ग। अब गुरु है तो गुरु का बहुवचन कैसे बनाएंगे, गुरुजन। नेता है, नेता का बहुवचन कैसे बनेगा, नेतागण। विद्यार्थी विद्यार्थीगण। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। इन नियमों को बहुत ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना और इनको याद करना, ठीक है बच्चों। अब देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आइए जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे उनके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। कि एक है या अनेक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे उनके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, दो, एक वचन बहुवचन। तो बच्चों ये तो आज का पाठ था, अब आइए जानते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 5। आज की एक्टिविटी में आपके लिए एक्सरसाइज 5 है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लिखे ही हुए हैं जो कि एक वचन में है, आपको
बहुवचन बनाने हैं, यानी बहुवचन लिखो। जो शब्द लिखे हुए हैं उनके आपको बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसे चेहरा लिखा है तो चेहरे का बहुवचन चेहरे, कोठरी कोठरियां। अभी मैंने आपको समझाया था बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं। जैसे कोठरी लिखा है तो कोठरी में ई है तो ई में बदल के कोठरियां हो जाएगा। पोशाक ए लगाया जाएगा पोशाकें। जब अकारांत आता है, कारांत यानी आ के बा, आ को हम बहुवचन में, जब अंत में आ आए, किसी शब्द के अंत में आ आता है तो उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ए लगा देते हैं। जैसे पोशाक है तो पोशाकें ए लगा दिया। बीड़ी बीड़ियां या कपड़े कपड़ा कपड़े, छुट्टी छुट्टियां, मुश्किल मुश्किलें, शीशा शीशे। तो इसी तरह से आपको ये एक्टिविटी में करना है, इसको अच्छे से कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। बच्चों, क्लास वर्क में है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब यहाँ पर भी आपको कुछ उदाहरण, देखिए पिछली एक्सरसाइज सॉल्व थी और इस एक्सरसाइज को आपको अपनी बुद्धि के अनुसार इसको पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है और याद करना है। इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। जैसे लोटा है तो लोटे का बहुवचन क्या, लोटा का बहुवचन क्या होगा? स्त्री का, ऋतु का। ये मैंने आपको अभी अच्छे से समझाए हैं नियम, उन नियमों को ध्यान से पढ़ो और इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करो। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। बच्चों, आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।